लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस सभी मोर्चों विभागों की बैठक कर रणनीति तैयार करने में जुट गई है। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अनुसूचित जाति विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, सभी अनुसूचित जाति के विधायक और नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के निर्देश दिए गए। साथ ही आने वाले समय में संसदीय क्षेत्र, जिला और विधानसभा स्तर पर कांग्रेस अनुसूचित विभाग के सम्मेलन, कार्यशालाएं और बैठकें करवाने का फैसला लिया। इसके अलावा अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा भी शुरू करेगी। पंजीकरण किया जा रहा है एक ऐप के माध्यम से, सरकार से जो हमारा सुविधा विभाग इसको आने वाले समय में प्रभावी बनाए, जिसमें जो आगामी विधानसभा का चुनाव 2022 का आने वाला है, उस पर कांग्रेस पार्टी का अनुसूचित जाति विभाग है वो इस पर पूरी चर्चा करेगा कि क्या भूमिका कैसे वो धारण करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। क्या मतलब अगर बात कांग्रेस की करें तो आज तक चाहे संविधान के अंदर जितने भी प्रावधान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है वो सब कांग्रेस की देन है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 राजीव जी का एक ऐसा हथियार है जो अनुसूचित जाति के लोगों की रक्षा करता है, और ये सब जो है कांग्रेस पार्टी की। आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में पिछले 5 साल में जितने मुकदमे हिमाचल प्रदेश के अंदर दर्ज हुए हैं उसका अगर आप आंकड़ा निकाल दो तो आपके जो सवाल है इसका जवाब आपको उसी से मिल जाएगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SC कंपोनेंट प्लान का दुरुपयोग किया है, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी हितों की रक्षा करने में हर फ्रंट पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई। मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक की नोटिफिकेशन हाटी समुदाय की नहीं आती, अभी तो बहुत सारी कन्फ्यूजन इसके ऊपर है, सरकार का स्टैंड ही जो अपनी ये घोषणा है इसके ऊपर क्लियर नहीं। कभी कहा जाता है कि गिरी पार्क का क्षेत्र जो है हाटी समुदाय में आया है, कभी कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष जो है हाटी समाज में आया है, तो हर समाज के अंदर एक भ्रम की जो एक स्थिति है वो है कि ये एक्चुअल में क्या नोटिफाई हुआ। सब आप सब जानते हैं कि हम चुनाव के बहुत नज़दीक हैं, किसी भी दिन इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा हो सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं, और इतने कम समय में लोगों को भ्रम में रखना ये हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की जो है एक कोशिश रही है, और किसी भी चीज़ को ये क्लियरिटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो भी आपके सामने आज की स्थिति चल रही है उसके लिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकारें पूरी तरह से हर फ्रंट पे विफलताओं के साथ लोग आने वाले समय में इनको बहुत बुरी तरह देने वाले। तो आने वाले चुनाव एक आंकड़े के हिसाब से सरकारी आंकड़ों को ही माने तो लगभग 27% की हमारी आबादी हिमाचल प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति की है, जिसका मैं आपको सभी लोगों को प्रेस के माध्यम से बताता हूँ कि ये सरकारी आंकड़ा 27% का है, पर डेफिनेटली वी आर अबव 30%। और एक इतने बड़ा वर्ग जो कि हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, एक भ्रम फैलाने की स्थिति हमेशा पैदा की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति के लोगों का जुड़ाव, जिसका मैं खंडन करता हूँ। और आज भी मेजॉरिटी ऑफ जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ। विधायक